दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर। अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं और उसमें रिज्यूम अपलोड करना चाहते हैं या फिर रिज्यूम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किस सेक्शन में आपको मिलेगा, इस वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पे, बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिंक्डइन ओपन कर लेना है। लिंक्डइन ओपन करने के बाद आप लेफ्ट साइड में प्रोफाइल सेक्शन आप देख रहे हैं, वहाँ पे मेरी फ़ोटो बनी हुई है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो बन के आएगी, उस सेक्शन को आपको क्लिक करना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये अपडेट वर्जन है, तो अगर आपका लिंक्डइन प्ले स्टोर पे अपडेट आपने नहीं किया है तो अभी जाकर उसको अपडेट कर लें, तो ही आपको ये सेक्शन मिलेगा। तो मैं अभी लेटेस्ट वर्जन, जो अपडेट वर्जन है, उस पे ही आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो प्रोफाइल सेक्शन को आपको क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल सेक्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग्स के ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नया होम पेज आपके पास खुल के आएगा। इसमें आपको नीचे डेटा प्राइवेसी सेक्शन मिल रहा होगा, ये डेटा प्राइवेसी सेक्शन है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे जॉब सीकिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके नीचे आपको जॉब एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग्स का, आपको जस्ट इसको क्लिक कर लेना है। अब इसको क्लिक करने के बाद आप अपने रिज्यूम के सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पहले से ही नीचे एक रिज्यूम डाउनलोड पड़ा हुआ है, देख सकते हैं ये पुराना रिज्यूम है। तो अब इसको मुझे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अगर आप अपना कोई रिसेंट रिज्यूम है जिसको आप इस पर फिर से अपलोड करना चाहते हैं, जिसको आपने अपडेट किया हो, तो यहाँ से फिर से आपको अपलोड रिज्यूम सेक्शन पे चले जाना है। इस सेक्शन पे आने के बाद आपका, आपने जिस भी फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया हो, डॉक्यूमेंट सेक्शन हो सकता है या डाउनलोड सेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर आप चले जाइए। और इस सेक्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मेरा जो अपडेटेड CV था यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, अपने रिज्यूम को अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।